नमस्कार, समाचार क्यारी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सभी लेटेस्ट अपडेट्स। हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उपायुक्त सोनल गोयल के मार्गदर्शन में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए झज्जर जिले में शुरू की गई नेक पहल सांझी मदद कार्यक्रम के तहत शहर के सेक्टर 6 स्थित बाल गृह के बच्चों को निःशुल्क शब्दकोश वितरित किया गया। जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने सांझी मदद के तहत आई पाठन सामग्री का वितरण करते हुए कहा कि उपायुक्त श्रीमती गोयल के प्रयासों से यह बेहतर कदम उठाए गए हैं। आज सांझी मदद के तहत आए शब्दकोश को बच्चों के अध्ययन के लिए वितरित किया गया। उक्त सभी बच्चों को शब्दकोश देकर उन्हें शिक्षा के प्रति गंभीरता दिखाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन की ओर से सांझी मदद कार्यक्रम शुरू किया गया है। सांझी मदद के तहत जिला बाल भवन में कोई व्यक्ति या संस्थान सिले हुए या बिने सिले हुए कपड़े, जूते, चप्पल, किताबें, कॉपी आदि सामान बाल भवन में जमा करवा सकते हैं। वहीं जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से मॉक ड्रिल करते हुए बच्चों को सुरक्षा बरतने के लिए जागरूक भी किया गया। जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी से राशि सक्सेना ने अपनी टीम के साथ आगजनी व भूकंप के दौरान किस प्रकार बचाव किया जाए संबंधित उपाय बताते हुए बच्चों को सजगता बरतने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी अन्नू भी मौजूद रही।